नमस्कार, एस्ट्रोन्यूमेरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है और कहा जाता है कि जब भी विष्णु भगवान को पूजेंगे तब लक्ष्मी जी स्वयं चली आएंगी। वैसे तो सारे देवी देवता पीपल के वृक्ष में वास करते हैं, लेकिन पीपल का वृक्ष खास तौर से भगवान विष्णु का प्रतीक है, तो आपको कल के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी को भी विष्णु प्रिय कहा गया है, तो कल के दिन तुलसी जी की पूजा करना भी अति लाभदायक होगा। चलिए जानते हैं कुछ आसान और असरदार उपाय। कल आपको सुबह नहाकर स्वच्छ होकर पीले कपड़े धारण करने हैं। इसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी के दिए प्रज्वलित करने हैं। अब आपको थोड़ा सा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी केसर और थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और फिर इस जल को आप पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित करेंगे। फिर आप वहीं पर एक घी का दिया प्रज्वलित करेंगे। अब आपको वहां से एक पीपल का पत्ता और वहीं से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर आनी है। अब आपको इस मिट्टी में घर आकर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम मिलाकर एक पेस्ट बनाना है। अब इस पेस्ट से आप इस पीपल के पत्ते पर स्वस्तिक बनाएंगे और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक बनाएंगे। फिर आपको इस पत्ते पर 1 रुपए का सिक्का रखना है और इस पत्ते को अपने घर के मंदिर में रखना है। फिर आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। आपको ये पत्ता पूरे दिन अपने घर के मंदिर में ही रखना है और अगले दिन यानी 23 तारीख को सुबह सुबह नहाकर स्वच्छ होकर इस पत्ते को सिक्के के साथ अपने घर की तिजोरी में या फिर आप जहां पर भी पैसे रखते हो वहां पर रखना है। इससे आपके जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होगी और विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। कल के दिन आपको गाय को केले का दान जरूर करना चाहिए। मुमकिन हो तो आपको थोड़े से जल में शक्कर मिलाकर केले के पेड़ के नीचे अर्पित करना चाहिए। कल के दिन आपको जल का दान जरूर करना चाहिए। कल अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में जितने भी सोने के गहने हैं उनको आप हल्दी के पानी से धोकर अपने घर के मंदिर में कुछ देर के लिए रख सकते हैं। उसे धूप और दीप दिखाकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं और फिर आप इसे अपनी तिजोरी में वापस रख सकते हैं। कल आपको भगवान को पीली मिठाइयों का दान करना चाहिए, फिर आप उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, उनका दान कर सकते हैं। आप पीली चीज़ों का दान कल ज़रूर करिए, जैसे पीले कपड़े, पीली दाल, गुड़। आप बच्चों को पीले खिलौने भी दे सकते हैं। विष्णु सहस्रनाम भी कल के दिन ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।